तारीखी उपलब्धियों की पुस्तक। एनसीसी की बालिकाओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में असम से निकाली साइकिल रैली। लखनऊ सीतापुर होते हुए बरेली में दे रही है स्वच्छता का संदेश। प्लास्टिक पर रोक के लिए मेरठ में चल रहा है महिलाओं का अनोखा सेल्फी विद थैला अभियान। पुराने कपड़े और जींस से बने थैले बांटकर लोगों को किया जा रहा है जागरूक। और प्रदेश में गंगा यमुना चंबल और बेतवा की बाढ़ से अनेक जिलों में जनजीवन हुआ प्रभावित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलिया के बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। बाढ़ प्रभावितों की मदद के दिए निर्देश। नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र तोमर, समाचार विस्तार से। प्रदेश में योगी सरकार ने 2.5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस अवसर पर राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित करके सरकार उपलब्धियों के बारे में लोगों को जानकारी दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की 30 महीनों की उपलब्धियों पर आज एक विशेष पुस्तक भी जारी की। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने केंद्रीय योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, सौभाग्य योजना, स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालयों के निर्माण और आयुष्मान योजना आदि में बेहतर प्रदर्शन किया है और बड़ी संख्या में लाभार्थियों को इन योजनाओं का लाभ मिला है। उन्होंने बताया कि प्रयागराज में कुंभ मेले और वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस के सफल आयोजन में उनकी सरकार ने खासा योगदान दिया है। मुख्यमंत्री ने उनकी सरकार द्वारा किसानों के कर्ज माफ करने और लंबित सिंचाई योजनाओं को बहाल करने तथा किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान जैसी उपलब्धियों को भी सरकार का महत्वपूर्ण योगदान बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अपराधों में कमी आई है, नौजवानों को नौकरी देने का रास्ता साफ किया है, पुलिस में भी भर्ती की है। विगत 2.5 वर्ष के अंदर 73,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान हमारी सरकार की है। बंद पड़ी चीनी मिलों को चलाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाई गई है और सोगर केन से सीधे इथेनॉल बनाया जा सके इस कार्रवाई को भी पहली बार प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर भारत सरकार ने अपनी मंजूरी दी है, जो किसानों के जीवन में व्यापक खुशहाली का आधार बनेगा। मित्रों, प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सुविधा का सबसे बड़ा प्रमाण आपके सामने इंसेफ्लाइटिस से हो रही मौतों के आंकड़ों को न्यूनतम स्तर पर लाने में प्रदेश की सरकार के द्वारा मिली सफलता। सिर्फ पिछले 40 वर्षों से हजारों मौतें उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही थी। हमारे 38 जनपद जिसकी चपेट में भयावह रूप से थे, आज उसमें 65% की कमी विगत 2 वर्ष के अंदर अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन की सर्वाधिक भूमिका रही है। प्रदेश के अंदर 1,09,00,000 परिवारों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन सौभाग्य योजना और प्रदेश सरकार की योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए। 1,67,000 मजदूरों का विद्युतीकरण का कार्य भी प्रदेश के अंदर संपन्न कराया गया। मैं कह सकता हूं जब 2.5 वर्ष का कार्यकाल हमारी सरकार का आज पूरा हो रहा है, इन 2.5 वर्ष के अंदर सभी पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। इन 2.5 वर्ष में प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ। इन 2.5 वर्ष में प्रदेश के अंदर फिरौती से जुड़ी हुई किसी भी घटना को अंजाम नहीं दिया गया और इन 2.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर दुर्दांत अपराधी या तो प्रदेश छोड़ करके गए हैं या फिर उनको कहीं अन्यत्र ही ठिकाना उनको मिला है, लेकिन प्रदेश के अंदर उनको चारागाह उनका नहीं बनने दिया गया है। और लगभग 10 लाख शौचालय शहरी क्षेत्र में उन गरीब परिवारों को उपलब्ध कराए हैं जिनके पास अपना शौचालय नहीं था। और विगत 2.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार 25 लाख से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना में, जिसमें 12,82,000 आवास ग्रामीण क्षेत्र में और 12,97,000 आवास शहरी क्षेत्र में हम लोग प्रदेश के ग्रामीणों को उपलब्ध करा रहे, प्रदेश के वासियों को हम लोगों ने उपलब्ध कराया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस दौरान प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने न केवल निजी निवेश और शासकीय निवेश, सार्वजनिक निवेश के माध्यम से लाखों नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाया है,
2,25,000 से अधिक सरकारी नौकरी भी प्रदेश के युवाओं को देख करके पूरे पारदर्शी तरीके से हमने उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कार्रवाई की और उन सभी नौजवानों को हमने प्रदेश के अंदर नौकरी देने का कार्य भी किया है। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहस पूरी करने के लिए समय सीमा तय कर दी है, जिससे इस मामले में जल्द कोई फैसला आने की उम्मीद बढ़ गई है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सभी पक्षों से कहा है कि 18 अक्टूबर तक सभी पक्ष अपनी अपनी बहस पूरी करने की कोशिश करें। इसके अलावा मध्यस्थता की कोशिशों पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इसे समानांतर रूप से जारी रखा जा सकता है, लेकिन इसके लिए सुनवाई को रोका नहीं जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट के 4 नए जजों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इसमें जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस वीराम सुब्रमण्यम और जस्टिस ऋषिकेश राय शामिल हैं। नए जजों की नियुक्ति के साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 हो गई है। यह संख्या सुप्रीम कोर्ट की क्षमता के मुताबिक है और पहली बार ये सबसे अधिक संख्या है। हाल ही में संसद ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की क्षमता 31 से बढ़ाकर 34 की थी। सभी नए जज सोमवार को शपथ लेंगे। राजधानी दिल्ली में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया। इसके लिए एक अध्यादेश को मंजूरी भी दी गई है। इसके साथ ही कैबिनेट में रेलवे कर्मचारियों को त्योहारों के ठीक पहले 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस भी देने का ऐलान किया गया है। इससे 11.5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा। त्योहारों से ठीक पहले सरकार ने रेलवे के कर्मचारियों को भी बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। कैबिनेट ने रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस के भुगतान को अपनी मंजूरी दे दी है। इसे 11.5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा। इस साल भी उनको 78 दिन का वेतन बोनस के रूप में मिलेगा। ये 11 लाख रेलवे एम्प्लॉयज को यानी उनके फैमिलीज को भी इसका फायदा होगा। इसके लिए 2024 करोड़ रुपए खर्चा होगा और बड़ी बात यह है कि लगातार 6 साल किसी सरकार ने लगातार 78 दिन का बोनस दिया है। मोदी सरकार ने आम लोगों खासतौर से युवाओं की सेहत को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को देश में पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का फैसला किया गया। इसके लिए कैबिनेट ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इट मीन्स प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट और सेल और इवन डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज एंड एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग ई सिगरेट्स आर ऑल बैंड। The cabinet therefore has taken this clear decision about banning e-cigarettes in all these 9 forms, and therefore this decision is taken keeping in mind the impact that e-cigarettes is having on the youth of today. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अध्यादेश लागू होगा। इसके मुताबिक ई सिगरेटों का किसी प्रकार उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, ऑनलाइन विक्रय सहित वितरण या विज्ञापन ऑनलाइन विज्ञापन सहित एक संज्ञेय अपराध होगा। पहली बार अपराध के मामले में 1 वर्ष तक कैद अथवा 1,00,000 रुपए तक जुर्माना अथवा दोनों और अगले अपराध के लिए 3 वर्ष तक कैद और 5,00,000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटों के भंडारण के लिए भी 6 माह तक कैद अथवा 50,000 रुपए तक जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं। अध्यादेश लागू होने की तिथि पर ई सिगरेटों के मौजूदा भंडारों के मालिकों को इन भंडारों की खुद घोषणा करके निकटवर्ती पुलिस थाने में जमा कराना होगा। द पनिशमेंट प्रपोज्ड इज इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर एंड और फाइन ऑफ 1 लाख फॉर द फर्स्ट ऑफेंस एंड 3 ईयर एंड और फाइन ऑफ 5 लाख फॉर द सब्सिक्वेंट ऑफेंस। It has been made a cognizable offence except storage, which is non-cognizable. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने भी फिलहाल उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर ई सिगरेटों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सदस्य देशों से मांग की है कि इन उत्पादों को प्रतिबंधित करने सहित समुचित उपाय किए जाएं।
ई सिगरेटों के निषेध के निर्णय से लोगों को, विशेषकर युवाओं और बच्चों को ई सिगरेटों के व्यसन के जोखिम से बचाने में मदद मिलेगी। अध्यादेश के लागू होने से सरकार द्वारा तंबाकू नियंत्रण के प्रयासों को बल मिलेगा और तंबाकू के इस्तेमाल में कमी लाने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे जुड़े आर्थिक बोझ और बीमारियों में भी कमी आएगी। इटावा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और कार्यों पर आधारित एक प्रदर्शनी इटावा क्लब में लगाई गई है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाई गई इस प्रदर्शनी का अवलोकन प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से इटावा में नई पीढ़ी का उत्साहवर्धन होगा और वह समाज सेवा और राजनीति के क्षेत्र में अपना योगदान देने को तत्पर होंगे। कृषि मंत्री ने इटावा जनपद के दो दिवसीय दौरे के दौरान इटावा जिले के विकास और कृषि संवर्धन से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा भी की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में रक्षा मंत्रालय द्वारा वृहद स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इस पखवाड़े के तहत असोम से चलकर जागरूकता का संदेश देने के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर साइकिल रैली बरेली पहुंची। इस रैली में 24 साइकिलों पर एनसीसी की बालिकाएं लोगों को स्वच्छता का संदेश दे रही हैं। विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटक के जरिए भी लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। बरेली में 8वीं बालिका वाहिनी ने एनसीसी साइकिल रैली को स्पीड ट्रैफिक सुभाष गंगवार ने झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वच्छता और पॉलिथीन मुक्ति के प्रति जनसहभागिता बढ़ाने के लिए यह साइकिल रैली भारत का भ्रमण कर रही है। राष्ट्रीय कैडेट कोर का साइकिल दल उत्तर प्रदेश में लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर और मुरादाबाद होते हुए दिल्ली पहुंचकर अपनी यात्रा संपन्न करेगा। एनसीसी की तरफ से एक मेगा स्वच्छता महारैली की शुरुआत की गई है, इसमें साइकिल रैली की। ये रैली अभी लखनऊ डायरेक्टरेट से शुरू की गई है और बीच में सभी ग्रुपों से होते हुए अभी बरेली, शाहजहांपुर, भी मथुरा लोग करते हुए फाइनली ये जाके कल्मिनेट होगी दिल्ली में डीजीएनसीसी। इसका मेन मुद्दा जो है हम लोगों को ये जागरूक बनाना है स्वच्छता के प्रति। देखिए, उत्तर प्रदेश निदेशालय एनसीसी के द्वारा जो स्वच्छ भारत अभियान है उसके तहत एक स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया है और उसी स्वच्छता पखवाड़े का एक हिस्सा है हमारी ये साइकिल रैली। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि एनसीसी कैडेट्स को जो स्वच्छ भारत अभियान है कैसे उसका ब्रांड एम्बेसडर की तरह प्रोजेक्ट किया जाए, एनसीसी कैडेट्स जन जागरण के इस अभियान को कैसे घर घर तक पहुँचाएँ, यही इस रैली का उद्देश्य है। देश के चिकित्सकों ने गंभीर बीमारियों का इलाज करने के लिए एक नई पहल की है। इसके तहत एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी तथा योग जैसी विधाओं को आपस में समन्वय करके इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लखनऊ के होम्यो ऑर्थो हीलिंग चिकित्सक डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि इस दिशा में मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित अखिल भारतीय सम्मेलन में देश भर के विभिन्न चिकित्सा विशेषज्ञों और चिकित्सकों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि कैंसर, मधुमेह, हड्डी, मांसपेशी, जोड़ की दिक्कतें और हृदय रोग की चिकित्सा के लिए सम्मेलन में कमेटियां गठित की गई जो शोध के आधार पर भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी और इसके आधार पर चिकित्सा में मिलीजुली थेरेपी का इस्तेमाल शुरू किया जा सकेगा। बढ़ते हुए प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए मेरठ में एक अनोखा अभियान चलाया जा रहा है। सेल्फी विद थैला के नाम से इस अभियान को महिलाओं का एक समूह चलाता है जिसमें पुरानी जींस और पुराने कपड़े से बने थैले लोगों में बांटकर प्लास्टिक के उपयोग न करने की सलाह दी जा रही है। यह अभियान प्रधानमंत्री के सिंगल यूज प्लास्टिक के कम इस्तेमाल की बात से प्रेरित है। ये एक आम सब्जी मंडी है पर यहाँ पर कुछ महिलाएं सब्जी लेने की जगह सेल्फी ले रही हैं आते जाते लोगों के साथ। क्या है इन सेल्फीज का राज, आइए जानते हैं इन्हीं से। हम लोग जब भी सब्जी खरीदने या कोई भी सामान खरीदने आते हैं तो हम लोग अपने घर के बने हुए थैले लेकर ही आते हैं और जो लोग घर के बने हुए थैले लेकर सब्जी खरीदने आते हैं हम उनके साथ सेल्फी भी लेते हैं। उस सेल्फी को हम लोग एफबी पे डालते हैं जिससे कि बाकी सबको भी मोटिवेशन मिले कि हम भी थैला ही लेकर जाएं। प्रधानमंत्री के वेस्ट टू वेल्थ कॉन्सेप्ट को अपनाते हुए महिलाओं का यह समूह पुराने कपड़ों और पुरानी जीन्स से थैले बनाता है और उनका इस्तेमाल रोजमर्रा के जीवन में करता है। हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल में पड़ी रहती हैं जीन्स वगैरह तो हम उन्हें कटिंग करके खुद भी बनाते हैं और वही थैले ले जाके हम सब्जी मंडी या किसी के सब्जी वाले को भी दिखाते हैं कि भैया ऐसा ही बना लीजिए, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। और वो ऐसा जिन लोगों के हमने साथ सेल्फी भी ली है हम
कामयाब भी हुए हैं। काफी लोगों ने हमें जब मिलते हैं तो वो थैले के साथ होते हैं। पॉलीथीन के दुष्प्रभावों को लेकर आम लोगों के साथ साथ सब्जी विक्रेता भी जागरूक हो रहे हैं। बहुत मतलब चेंज आ गया है कि लोग वहाँ थैले ही लेके आते हैं और कम पहले से बहुत कम हो गया। अब धीरे धीरे ये सब खत्म ही हो जाएगा तो होना भी चाहिए, जरूरी है। पहले से बहुत कम हो गया पॉलीथीन का इस्तेमाल। अब कपड़े का थैला लेके आ रहे हैं, ग्राहक को मना कर देते हैं कि हमारे पॉलीथीन नहीं है, घर से थैला लेके आइए। सेल्फी विद थैला जैसे अभियान निश्चित तौर पर जनमानस के मन में जागरूकता तो बढ़ाएंगे ही साथ जो लोग कपड़ों के थैलों का इस्तेमाल करने लगे हैं उनका उत्साहवर्धन भी करेंगे। प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से कई इलाकों में पानी भर गया है। बाढ़ के कारण शहरी इलाकों और कई गांवों में पानी घुसने लगा है। इस वजह से हजारों घर डूब गए हैं। इन घरों में लोग फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रयागराज के अलावा बलिया और वाराणसी में भी गंगा नदी उफान पर है और कई गांव बढ़ते जलस्तर की चपेट में आ गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर तेजी से खतरे के निशान की ओर बढ़ रहा है। दोनों नदियों के बढ़ते जलस्तर से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों में चिंता है और दो दर्जन से ज्यादा मोहल्ले और 50 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। पलायन करने वाले लोग राहत शिविर की ओर रुख करने लगे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बलिया के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। उनके साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावितों के पुनर्वास और उनके हितों को लेकर संवेदनशील और सक्रिय है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वह बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में प्रभावितों की मदद करें। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वह जन सहयोग से राहत सामग्री एकत्र करके बाढ़ प्रभावितों तक पहुंचाएं। प्रयागराज में गंगा यमुना के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और अब दोनों नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। अब तक 5000 से अधिक घर प्रभावित हो चुके हैं और दर्जनों मोहल्ले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। प्रयागराज में सबसे ज्यादा प्रभावित छोटा बघाड़ा, दारागंज, रसूलाबाद और गौसनगर का क्षेत्र है। करेली थाना क्षेत्र के गौसनगर में भी कई मकान बाढ़ की चपेट में हैं। जिला प्रशासन की कई टीमें बाढ़ प्रभावित लोगों को उनके घरों से निकालकर राहत शिविर तक पहुंचा रही हैं। जिले के शहरी इलाके के सभी स्कूलों को 21 सितंबर तक बंद करने का आदेश दिया गया है। पानी भरने से कई घरों में सुरक्षा के मद्देनजर बिजली के कनेक्शन को काट दिया गया है, जबकि दो ट्रांसफार्मरों को भी शिफ्ट कर दिया गया है। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगाड़ी एक दिवसीय दौरे पर चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मुगलसराय पहुंचे। उन्होंने स्टेशन पर रेल यात्री सुविधाओं का जायजा लेने के बाद रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण, वातानुकूलित डॉर्मेट्री, प्लेटफॉर्म पर स्वचालित लिफ्ट और सर्कुलेटिंग एरिया में पार्क आदि कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने यात्री सुविधाओं और ट्रेनों के समय से परिचालन के लिए भी मंडल रेल प्रबंधक समेत अन्य अधिकारियों से बैठक की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में रेल राज्य मंत्री ने बताया कि गाड़ियों में यात्रियों की लंबी प्रतीक्षा सूची समाप्त करने पर भी काम चल रहा है। राज्य मंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल जी के सपनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साकार करने के लिए गांव, गरीब और किसानों के हित में निर्णय ले रहे हैं। जब बहुत कुंभ मेल रहा समझो, अलग अलग यात्रा है, वो टाइम में कभी कभी होता ही ऑलवेज नहीं रहता है। वो करने के लिए हमारा IRTC का काम चल रहा है और मोबाइल के ऊपर चल रहे। एक साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब मरीजों के निःशुल्क इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। यह योजना पूरी तरह से डिजिटल इंडिया के तहत पेपरलेस हो गई है और गरीबों तथा साधनहीनों को निजी और सरकारी अस्पतालों में बेहतर और महंगी चिकित्सा सुविधा देने के साथ ही योजना में फर्जीवाड़े पर भी रोक लगाने में कारगर साबित हुई है। पेश है एक रिपोर्ट। हेल्थ एश्योरेंस देने वाली ये दुनिया की अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना आज यूपी के गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रदेश के 1,18,00,000 गरीबों में इस योजना को लेकर एक उम्मीद जगी है। प्रधानमंत्री जो योजना बनाई है बहुत अच्छी बनाई है।
और सबके लिए फायदेमंद है और इसके लिए धन्यवाद। ये जो प्रधानमंत्री वाला जो कार्ड बना है इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद। हमारा इसके लिए बहुत फायदा हुआ है, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारा एक इलाज फ्री हुआ। अगर मोदी सरकार न दे हुए तो ये कागज तो आज हम भीख मांगे हम तैयार हो जाए। प्रधानमंत्री जी के बनाए द्वारा कार्ड द्वारा हमारा सर फ्री में इलाज हुआ है सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, हम गरीबों का भी ख्याल रखते हैं। BPL जो धारक होते हैं उनका राशन कार्ड यहाँ पे भेजा जाता है, मैं चेक करती हूँ, जो आयुष्मान के पात्र होते हैं उनका कार्ड यहाँ से जनरेट होता है, उसके बाद TMS पे उनका रजिस्ट्रेशन होता है, उसी से इलाज होता है सर। प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार 1,18,00,000 गरीबों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष लगभग 44,75,000 लोगों का गोल्डन कार्ड बन चुका है। प्रतिदिन 25,000 से 30,000 लोगों को जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना में वंचित रह गए लगभग 42,75,000 लोगों को भी इस योजना में जोड़ने की अनोखी पहल की। हम लोग इस बात को लिए भी संकल्पित हैं कि सर्वे के बाद जो लोग छूट चुके हैं उन लोगों को भी हम लोग इस योजना से कवर कराएंगे और प्रदेश सरकार इसका जो भी पैसा होगा प्रदेश सरकार स्वयं वहन करेगी। इस योजना के तहत प्रदेश के निजी और सरकारी कुल 1,915 अस्पतालों को पैनल में रखा गया है, जिसमें कुल 1,425 तरह के पैकेज की व्यवस्था है। खास बात यह है कि आज एक साल में प्रदेश में 1,47,000 से अधिक गरीबों का आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज भी हो चुका है। पूरा का पूरा सिस्टम हमारा ऑनलाइन है, इसमें कोई भी एक भी पेपर कहीं भी नहीं आवश्यक होता है। मरीज भर्ती होने से लेकर डिस्चार्ज होने तक और क्लेम प्रोसेस तक कहीं भी किसी भी तरह की कोई कागज की आवश्यकता नहीं। फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए इस योजना में कुछ नए कॉलम भी जोड़े गए हैं, जिससे योजना को एक और फुल प्रूफ बनाया जा सके। फ्रॉड को रोकने के लिए और ज्यादा परीक्षण करने के लिए हमने एक मेडिकल ऑडिटर्स की एक दूसरी लेयर एक ऐड कराई है इसमें, जिसमें हमारे यहाँ के जो मेडिकल कमेटी के लोग हैं डॉक्टर्स हैं वो क्लेम्स का परीक्षण करते हैं और उसके बाद वो फॉरवर्ड करते हैं। इस योजना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार ने जो संवेदनशीलता दिखाई है उससे यह तो तय है यह योजना आने वाले दिनों में न सिर्फ यूपी में बल्कि देश भर के उन गरीबों के लिए वरदान साबित होगी जो पैसे के भाव में अपना इलाज कराने से वंचित रह जाते थे। लखनऊ से उमाशंकर दुबे की रिपोर्ट, DD न्यूज। मुरादाबाद में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत बड़ी संख्या में गरीबों और बेसहारा लोगों को बेहतर और महंगा उपचार नामी अस्पतालों में अब निःशुल्क मिल रहा है। इन्हीं लाभार्थियों में से एक गरीब राजीव शर्मा एक पीतल फैक्ट्री में मजदूर हैं। गरीबी की जिंदगी के बीच एक बीमारी के चलते उनकी पत्नी विनीता शर्मा की कूल्हे की दोनों हड्डियां पूरी तरह खराब हो गई, जिस कारण उनका चलना फिरना तो बंद हो गया। पत्नी के उपचार कराने के लिए परिवार ने कई बड़े अस्पताल और डॉक्टरों के चक्कर काटे, लेकिन डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन का खर्चा 4,00,000 रुपए बताए जाने पर वह थक हार कर घर बैठ गए। इसी बीच एक दिन विनीता के घर पर आशा बहन प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का पत्र लेकर पहुंची तो जिंदगी की उम्मीद छोड़ चुकी विनीता के अंदर फिर जिंदगी की उम्मीद जाग गई। आयुष्मान कार्ड देखकर कूल्हा प्रत्यारोपण का सफल ऑपरेशन निजी अस्पताल द्वारा पूरी तरह निःशुल्क करके लाभार्थी विनीता को स्वस्थ कर दिया गया। उनका मानना है कि अगर आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होती तो विनीता का इलाज संभव ही नहीं था। मेरे खराब हो गए थे दोनों साइड के, दर्द रहता था बहुत ज़्यादा। डॉक्टर को दिखाया तो उसमें बताया कि हिप्स खराब हो गए। मुझे 4,00,000 का खर्चा बताया दोनों हिप्सों का। हमने अस्पताल में मालूम करा था तो उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड बनना है, वहाँ आप ट्राई करो, उससे अच्छा है तुम्हारा इलाज हो जाएगा, तुम्हारे बस में नहीं है कि हाँ तुम इलाज प्राइवेट करा सको, तुम्हारा कब्जा भी नहीं, तुम इतने को भी नहीं हो, मजबूत भी नहीं हो। तो फिर आयुष्मान के कार्ड में मालूम करा तो हमने थोड़ा भागा दौड़ी करी इधर उधर से, मतलब उसके लिए जानकारी ली कैसे बनेगा क्या होगा, तो बन गया हमारा कार्ड, उसके द्वारा यहाँ पर एडमिट हो गए हम आके। प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने ये योजना बना के गरीबों की बहुत सहायता की।
उधर बुंदेलखंड के अति पिछड़े जनपद ललितपुर में भी प्रधानमंत्री के प्लास्टिक मुक्त अभियान के मद्देनजर बासी ग्राम की रानी ने अपने छोटे से गांव में ललितपुर की पहली दोना पत्तल निर्माण मशीन लगाकर बड़ी पहल की है और बासी कस्बे के बाजार में प्रतिदिन 20 से 25 लगने वाले चाट के ठेलों पर अब प्लास्टिक के दोनों के स्थान पर कागज और पत्तों से बने दोने इस्तेमाल होने लगे हैं। रानी को इसके लिए 1,10,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी सरकार की ओर से मिली है। रानी अपने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ पहले हाथों से पत्ते के दोनों का निर्माण करती आ रही थीं। बाद में राष्ट्रीय आजीविका मिशन की सहायता से उन्होंने अपने घर पर ही दोना पत्तल निर्माण की मशीन लगा ली। समूह की महिलाओं की मांग है कि समूह की महिलाओं के लिए सरकार कागज के रोल को रियायती दरों पर उपलब्ध कराए तो पूरे जनपद को प्लास्टिक मुक्त बनाने में वे कामयाब हो जाएंगे। जो भी प्लास्टिक के उपकरण है जैसे कि सब बंद कर दिए हैं, उससे हमारा जो काम है हमारा दोना पत्तल का, तो उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है तेज़ी से। मतलब लोग हमारी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, दुकानदार भी आते हैं और ठेले वाले, चाट वाले, मतलब सभी लोग आते हैं हमसे। उससे हमें बहुत फ़ायदा है। मोदी जी सर, मैं काफ़ी दिनों से मशीन चला रही थी, जब मुझे ये मतलब आमदनी नहीं हुई थी, जब से ये थर्माकोल और प्लास्टिक ये बंद हुआ है तब से मुझे काफ़ी आमदनी हुई है सर। और मैं 2 साल से अभी 1 साल हो गया है सर मुझे मशीन खरीदे हुए, और मैं मतलब चला रही थी। मुझे पहले कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा था, लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री ने ये बंद किया है थर्माकोल और पन्नी, तब से मुझे आमदनी फर्क पड़ा है। हमारी सभी बहनें, पहले तो हम मतलब ऐसे कुछ कारोबार नहीं करते थे, अभी जब से सरकार ने हमें ये मशीन दिलाई हमें मतलब बहुत लाभ है। सभी बहनें मिलके मतलब मशीन का कार्य ये दोना पत्तल बना रहे हैं हम लोग, और बहुत मतलब हम लोगों को फायदा हो रही है। विकासखंड जखोरा के ग्राम वासी में गठित संगठन माता स्वयं सहायता समूह के द्वारा आज दोना पत्तल का कार्य प्रारंभ किया गया है। शुरुआती दौर में इस समूह को मिशन के माध्यम से 15,000 रुपये दिए गए, जो कि दोना पत्तल मशीन स्थापित करने के लिए कम थे, लेकिन सदस्यों के उत्साह को देखते हुए विभाग द्वारा पुनः इन्हें 1,10,000 रुपये उपलब्ध कराए गए और समूह द्वारा दोना पत्तल की मशीन स्थापित की गई है। इस मशीन के स्थापित होने से समूह सदस्यों को प्रतिमाह 5 से 6 हज़ार रुपये की आमदनी हो जा रही है। अब समूह के सदस्य और भी दोना पत्तल मशीन स्थापित करना चाह रहे हैं, जिसके लिए उन्हें बैंकों से भी ऋण उपलब्ध कराई जा चुकी है। राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में धांधली को लेकर सख्त हो गई है। इसी क्रम में मथुरा के शिक्षा विभाग की SIT की जांच के बाद सामने आए जिले के 60 फर्जी बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। संबंधित शिक्षकों को आरोप पत्र भी सौंप दिए गए हैं। पिछले 3 साल से डॉक्टर बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में SIT की जांच के दौरान करीब 4,700 ऐसे बीएड डिग्री धारकों का पता चला था जिनकी डिग्री फर्जी पाई गई थी या उनमें हेराफेरी की गई थी। इस फर्जी बीएड डिग्री धारकों की सूची CD के माध्यम से 2 बार प्रशासन को सौंपी गई थी। इसमें से मथुरा जनपद में तैनाती पाए फर्जी बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को निदेशक बेसिक शिक्षा ने चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने और उनकी सेवाएं समाप्त करने के भी आदेश दिए थे। इसी के तहत कार्रवाई करते हुए अब जिले के 60 फर्जी शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर ने निलंबन आदेश के साथ ही आरोप पत्र भी जारी कर दिए हैं। ये जनपद मथुरा में अभी तक जो हमारे पास CD आई थी SIT की, वो 58 लोगों की थी जो पहले चली आई थी। पहले भी कार्रवाई जो नोटिस आई वो 58 की हुई है। हमारे पास 2 सूचना और आई थी, एक संबंधित BSA साहब ने दी थी, उसको हमने जोड़ा है। इस आधार पर हमारी अभी संख्या में 60 है आसपास। हमारे पास पहले 58 थी और 2 हमारी संख्या बढ़ गई है, और इस पर हम लोग चूँकि अभी ये आ रहा था विभाग के निर्देश हैं हमारे कि इन पर कार्रवाई की जाए, और ये 4,500 के आसपास चिन्हित किए गए हैं पूरे प्रदेश में, तो हमारे यहाँ से 60 संख्या आ रही है, और इस पर हमें लीगल एक कार्रवाई जो होती है, विधि कार्रवाई होती है, उनके पक्षों को सुनना, अगर हो सकता है उनमें कोई निर्दोष हो तो उनको हम लोग उनको भी हम लोग इससे देखेंगे, और विभागीय कार्रवाई करने त्रिस्तरीय कमेटी की जाँच करा ली गई है, जाँच करने के लिए आदेश कर दिए गए हैं, आरोप पत्र भी तामील कराया जा रहा है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।